गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए वापस एक नया प्लेस लेके आया हूँ, पावना लेक आया। और इसके पहले मैंने बहुत बार पावना लेक के वीडियोज डाले, लेकिन हमेशा क्वेश्चंस कुछ अलग अलग आते थे, किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती थी। तो ये बार कुछ हट के कुछ अलग साइट लेके आया हूँ। ये समाधान रिसोर्ट है और यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिक स्टाइल में कुछ अलग देखने को। यूनिक स्टाइल में कॉटेजेस बनाए जो पावना लेक में आपको सब जगह पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपने पहले ऑलरेडी कैंपिंग किया है नॉर्मल टेंट का जो बेसिकली ऐसे होते हैं, तो उसी साथ कुछ अलग तरीके का मेरे पीछे ये कॉटेजेस है, डीलक्स कॉटेजेस, फिर उसी साथ अलग वाले कॉटेजेस भी है, तो उसका रिव्यू करेंगे। और अगर आप कपल हो और अच्छा रोमांटिक प्लेस देख रहे हो, कोई जो खूबसूरत सामने व्यू दिखे, एकदम नज़दीक से आप देख पाए, तो ये वाला बेस्ट प्लेस रहेगा। ये साइट ऑलमोस्ट लोनावाला रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर रहेगी। अगर आप ऑटो से आते हैं तो 500 से 600 रुपीज़ लगते हैं। तो अभी यहाँ के हम लोग डीलक्स कॉटेजेस देखेंगे जिसके रेट है 8000 रहेगा विद फूड। तो अभी अंदर देखेंगे कुछ अलग टाइप का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये साइड में बेड है, बड़ा सा बेड दिया है, फिर टीवी दिए, और आप देख सकते हो पूरा अलग, मतलब ऐसे टेंट आपको कहाँ पे मिलेगा नहीं। ये कॉटेजेस पूरे वुडन के बने और ऊपर देख सकते हो तो अलग स्टाइल है। अगर हम लाइट्स भी लगाएंगे ऊपर देख सकते हो, थोड़ा यूनिक लग रहा है, विद एसी रहेगा ये। और यहाँ पे कुछ टेबल दिया है, तो यहाँ पे टॉयलेट और आपको बात के लिए दिया है यहाँ पे, और वो भी वुडन में, तो एक यूनिक स्टाइल है। तो मैंने कभी ऐसा रिसोर्ट नहीं देखा, ऐसा कॉटेजेस नहीं देखे, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, बहुत बार आया हूँ, लेकिन ये नया वाले स्टाइल में। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे है व्यू, ये वाला व्यू आपको हर जगह पे नहीं मिलता है। ये सामने वाला लेक पावना लेक कनेक्टेड ही रहेगा, सामने देख सकते हो खूबसूरत, यहाँ से आप यहाँ पे खड़े होके इतना खूबसूरत व्यू आपको दिखेगा। और सामने बोटिंग भी है, और ये 8000 में आपको बोटिंग भी इंक्लूड होती है, फ्री वाली बोटिंग मिल जाएगी। और ये सबसे खास बात, ये बात, तो अभी हम लोग दूसरी कैटेगरी वाले कॉटेजेस देखने आए। यहाँ पे भी व्यू अच्छा रहेगा, वो थोड़ा यूनिक था इसके वजह से 8000 था। यहाँ पे भी अच्छा है, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है पूरा लेक व्यू आ रहा है, वहां से ज्यादा यहाँ पे व्यू आ रहा है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी मैं आया हूँ ये वाले, इस पे इसका रहेगा पर पर्सन 3000 6000 कपल का रहता है, उसमें फूड इंक्लूड रहता है। तो अंदर कुछ इस तरीके से ये बेड है बड़ा सा, और यहाँ पे शू या क्लोथ्स रखने के लिए किया। फिर ये साइड में है यहाँ का टॉयलेट, यहाँ पे ही टॉयलेट कनेक्टेड है। मोस्टली कैंपिंग में क्या होता है, छोटे छोटे टेंट लेते तो शेयर हो, पहले वाले वीडियो में मुझे क्वेश्चंस किए थे अगर गर्ल्स आ रहे तो सेफ रहेगा क्या, तो उनके लिए ये वाले कॉटेजेस काफी अच्छे, अंदर ही टॉयलेट रहेगा, बाथरूम भी अंदर है, तो चीज सही है, और बेड सही भी है। तो मोस्टली कपल्स के लिए बना है, जो भी कपल्स आ रहे हैं आना चाहते हैं तो उनके लिए। और यहाँ से व्यू तो देखो क्या खतरनाक लग रहा है, मतलब मैं बेड के इधर हूँ, अगर आप बेड के इधर बैठोगे और सामने वाला व्यू देखोगे तो सीधा ग्लास के बाहर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा पैसे वसूल होने वाले ये चीज पे। ये वाला टेंट आएगा जिसका आपको 1500 रुपीज मिलेगा, उसमें आपको बोटिंग भी फ्री रहेगी, और वो साइड में भी सामने ये लोग के टेंट लगते हैं, तो ये पूरा सा स्पेस है, यहाँ पे छोटे टेंट लगेंगे और काफी अच्छे वाले टेंट रहते हैं, इसमें भी आप रह सकते हो 1500 में, मजा आएगा। तो ये वाला टेंट कुछ इस तरीके से रहता है, और
तो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे ही कनेक्टेड रेस्टोरेंट है समाधान रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप अगर जल्दी आते हो लंच में आपको एक्स्ट्रा फूड भी ट्राई करने कैंप के इंक्लूडेड के साथ कुछ, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे जो आपको चाहिए वो खा सकते हो। और ये काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ से व्यू दिखेगा, एकदम खूबसूरत वाला व्यू दिखेगा। तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे बोटिंग भी इंक्लूड होती है, जब भी आप यहाँ पे इन करोगे तो आपको बोटिंग फ्री में मिल जाती है। जो भी कॉटेज है उसके साथ एक राउंड बोटिंग का मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग भी है, अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने तो स्पीड बोट है या स्कूटर वाली, तो बड़े बड़े फैमिली के लिए। और यहाँ पे कायाकिंग भी है जो आप कर सकते हो, तो बोटिंग का मज़ा ले सकते हो, क्योंकि ये कैंपिंग को बोटिंग कनेक्टेड है। हर कैंप पे जहाँ पे सब जगह पे बोटिंग नहीं होती है, लेकिन ये कैंप को बोटिंग मिलेगी और इसमें मज़ा आता है बोटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कैंप साइट कवर कर लिया और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा है। और अलग थी, पूरे पावना में अगर देखोगे तो अलग टाइप के कॉटेजेस यहाँ पे मिलेंगे। दो टाइप के कॉटेजेस थे, फर्स्ट जो 8000 था अंदर काफ़ी था और व्यू मस्त वाला लेक वाला ही आएगा दोनों के लिए, और सेकेंड वाला तो 6000 था कपल के लिए विथ फूड। 2 बजे यहाँ का चेक इन हो जाता है, फिर आते ही आपको इवनिंग में टी मिल जाती है, फिर बारबेक्यू चालू हो जाता है और वो लिमिटेड मिल जाता है चिकन, फिर डिनर मिल जाता है लाइव, रात में म्यूजिक भी चलती है, आप यहाँ पर रात को डांस भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और उसमें आपको बोटिंग भी फ्री मिल जाती है और बहुत से सारे एक्टिविटीज़ अंदर होते हैं और ग्रुप के साथ काफ़ी अलग ही धमाल रहेगा। और उसी साथ ये एक प्लेस बेस्ट है, अगर पूरा एक कैंप पावना तो वैसे 150 के ऊपर कैंप साइट है, लेकिन उसमें से एक यूनिक आपको अगर अलग ट्राई करना है। और छोटे भी टेंट है यहाँ पे जिसके 1500 पर पर्सन रहेंगे विद बोटिंग, और यहाँ पे आना है तो 15 किलोमीटर है, 15 से 16 किलोमीटर, जिसके चार्जेस ऑटो से आओगे तो 500 रहेंगे। और जो छोटे वाले टेंट है उसका टॉयलेट बाहर ही रहता है, शेयरिंग वाला रहता है, जहाँ पे आप जाके कर सकते हो। अगर बजट में तो कम है तो 1500 वाले ले सकते हो। तो अभी वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं आगे के वीडियो में, और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और लाइक करो। अभी के लिए वीडियो को एंड करता हूँ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।